Welcome back. I am Kiki Bhatt from Universal School Champawa. So now, today our topic in English speaking course, interrogative words. Interrogative words को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. तो यदि हम इंग्लिश का कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें ये प्रश्नवाचक वाक्यों की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है. तो आप जो है कॉपी और पेन निकाल के बैठिए और मैं एक एक करके जो है मैं आपको ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स को मैं आपको बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि हमें हिंदी टू इंग्लिश हमें सीखना है. तो उसके लिए जो है आप जो है हमारे साथ बने रहिए और आपको इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा. तो चलिए हमारा फर्स्ट जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, फर्स्ट वन इज द बाई हूम. बाई हूम मीन्स इन हिंदी किसको किसके द्वारा. देन सेकेंड वर्ड इज हू. हू मीन्स कौन किसने. देन थर्ड वर्ड इज What? What means क्या. Then fourth word why. Why means क्यों. Then next word how. How means कैसा, कैसी, कैसे, किस तरह. Next where. Where means कहाँ. Next word when. When means कब. The next one whom. Whom means किसे, किसको. Next word with whom. With whom means किसके साथ. Next word for whom. For whom means किसके लिए. For means लिए. Whom means किसके, किसका, किसकी, किसके. Then next word is the word how long. How long means कितनी देर. Next word at what time means कितने बजे. Next word which. Which means कौन सा, कौन सी, कौन से, प्लस नाउन. यदि आपका विच है, विच के बाद कोई भी नाउन आएगा तो आप विच के साथ उस नाउन की अंग्रेजी बनाएंगे. और नेक्स्ट वर्ड है हुज. हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके. और इसमें भी नाउन आएगा. जो भी आपका नाउन होगा, हुज के बाद यदि नाउन आता है तो हुज और नाउन की इंग्लिश जो है एक साथ बनेगी. नेक्स्ट वर्ड टू हुम. Whom means किससे. Next word with whom means किसके साथ. और you can say the उससे. Then next word what kind of. What type of means किस प्रकार का plus noun and किस तरह की प्लस नाउन एंड किस तरह के प्लस नाउन. तो इसका मतलब ये हुआ व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ की आपकी तीन मीनिंग हुई. एक तो हुआ किस प्रकार का, दूसरा हुआ किस तरह की या किस तरह के. तो इसमें भी यदि नाउन पीछे है तो व्हाट काइंड ऑफ के बाद नाउन आपका ऐड होगा या व्हाट टाइप ऑफ के बाद नाउन भी ऐड होगा. देन नेक्स्ट वर्ड हाउ मच. हाउ मच मींस कितना, कितने, कितनी प्लस नाउन. हाउ मच या हाउ मेनी ये दो वर्ड जो है क्वांटिटी को शो करते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं. ये हाउ मच किसके साथ आता है, दोनों की मीनिंग सेम होती है. हाउ मच का अर्थ कितना, कितनी, कितने, और हाउ मेनी का अर्थ भी कितना, कितनी, कितने. अब इसको मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे. हाउ मच आएगा जो काउंटेबल नंबर्स हैं या काउंटेबल थिंग्स हैं, यानी कि जिनको आप गिन सकते हैं तो उनके लिए, जिनको आप गिन सकते हैं उनके लिए आपका आएगा हाउ मेनी. जैसे सपोज दैट हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के. हाउ मेनी बॉयज. हाउ मेनी गर्ल्स. हाउ मेनी बुक्स. हाउ मेनी टेबल. हाउ मेनी चेयर्स. क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं आसानी से, तो इनके लिए कितना, कितनी, कितने के लिए हाउ मेनी आएगा और उसके बाद नाउन ऐड होगा. और नेक्स्ट हाउ मच की मीनिंग भी सेम होती है, कितना, कितनी, कितने, लेकिन ये जो है अनकाउंटेबल के लिए आता है, यानी कि जिनको आप गिन नहीं सकते हैं. सपोज दैट हाउ मच सुगर, कितनी चीनी. हमने कहा हाउ मच सुगर. हाउ मच सुगर या हाउ मच वाटर, ठीक हो गया. तो यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं आसानी से उनके लिए आता है हाउ मच, और जिनको काउंट किया जा सकता है उनके लिए आता है हाउ मेनी. और नेक्स्ट वर्ड इज हाउ. हाउ मींस कितना, कितनी, कितने. हाउ मींस कितना, कितनी, कितने, प्लस हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण और एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. यदि एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो यह हाउ के बाद डायरेक्ट उसकी इंग्लिश बनेगी. तो आपको जो है मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप जो है लाइक कीजिए, शेयर
कीजिए और साथ ही जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।